We have taken here the question, compute the value of a triple integral if the region of the integration is bounded by the coordinate planes and the plane is equals to, which is given here, x plus y plus z is equals to 1. तो देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जिससे हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, लिमिट फॉर x, y एंड z. अब देखिए इसमें बाउंड्री रीजन क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, जहां से कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन स्टार्ट होते हैं. और कहां तक जाता है, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1 तक. तो हमारे पास x की लिमिट 0 से लेके कहां तक, अब देखिए हमें जब x की लिमिट निकालनी है तो जो हमारे पास प्लेन है, चेक इट आउट देयर, इसमें अगर हम y z को 0 रखें तो क्या मिलेगा, वी हैव द x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1 टेकिंग y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 हियर. तो x की वैल्यू 1, इसका मतलब x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x वेरीज फ्रॉम 0 टू 1. ओके, अब देखिए माइंड में अब हमें क्या मिला, x की लिमिट क्या मिलती है, कांस्टेंट. तो हमारे पास क्या फंडा है, अगर x की लिमिट कांस्टेंट है तो y की लिमिट क्या होनी चाहिए, फंक्शन ऑफ x, एंड द लिमिट फॉर z फंक्शन ऑफ xy. रिपीट कर रहे हैं, अगर x की लिमिट कांस्टेंट है तो y की लिमिट द फंक्शन ऑफ x, और z की लिमिट द फंक्शन ऑफ y. तो इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे. अब देखिए फॉर y की लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाएगा, रिलेशन x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 1 के अंदर हमें क्या रखना पड़ेगा, y शुड बी द फंक्शन ऑफ x. तो z को 0 रखने तो y कितना हो जाएगा, 1 माइनस x. तो y कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 टू 1 माइनस x. फॉर द लिमिट z, z कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, और अपर लिमिट कहां तक जा सकते हैं, z शुड बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई. तो z इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई. ओके, तो हमारे पास x की भी लिमिट है, y की भी लिमिट है और z की भी लिमिट है. x की लिमिट क्या है, 0 टू 1 एज ए कॉन्स्टेंट. y की लिमिट क्या है, 0 टू 1 माइनस एक्स एज ए फंक्शन ऑफ x. और z की लिमिट क्या है, 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई. तो इंटीग्रल हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस z होल टू द क्यूब हैव द वैल्यू लिमिट फॉर x दैट इज 0 टू 1, लिमिट फॉर y 0 टू 1 माइनस x, एंड द लिमिट फॉर z 0 टू 1 माइनस x माइनस y. एंड हियर dx dy dz डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस z प्लस 1 होल टू द क्यू. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा. तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले देखिए लास्ट में हमारे पास लिमिट क्या है, इट इज द लिमिट फॉर z. तो पहले हम इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. तो राइट हैंड साइड बिकम्स 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस x dx dy,
and the integration of this part become 1 by minus 2 x plus y plus z plus 1 whole to the square with the limit 0 to 1 minus x minus y. जब हम इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, 0 to 1, then 0 to 1 minus x dx dy. लिमिट रखने पर हमारे पास क्या मिलता है, 1 by x plus y plus 1 x plus y plus 1 minus x minus y plus 1 whole to the square, then minus 1 by x plus y plus 1 whole to the square. जहां जहां हमें z नजर आएगा हमने उसपे लिमिट्स को यूज कर लिया. अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट लिमिट किसकी है, इट इज फॉर y. तो हम इसको फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और बाकी कॉन्स्टेंट क्या हो जाएंगे, बाकी वेरिएबल को हम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. तो dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर हमें इंटीग्रेशन मिलता है 1 by 4 with minus sign, that is 1 by x plus y plus 1 whole to the square. Okay? और ये हमें वैल्यू मिलेगी. हमने क्या किया, उस पर वाले पार्ट को अभी केवल सिंप्लीफाई किया, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. और आपका यहां मिला हमारे पास, डेट इज डी वाई. अभी हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया क्योंकि तो x से y, देखिए x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 बिकम्स स्क्वायर 1 ऑफ 1 बाई 4. अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो इट्स बिकम्स माइनस हाफ, दैट इज 0 टू 1 dx. और इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो गया, दैट इज y बाई 4 प्लस 1 बाई x प्लस y प्लस 1 विद द लिमिट्स 0 टू 1 माइनस x. ओके, दिस इज आवर लिमिट 1. देन अब देखिए हम इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर चुके हैं, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर चुके हैं, केवल क्या बचेगा, x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन बचेगा. ओके, तो सबसे पहले हम लिमिट रखे हैं इसमें y की, जहां जहां हमें y नजर आएगा वहां पर हमें क्या रखना है, अपर लिमिट 1 माइनस x और लोअर लिमिट 0. ऐसा करने पर क्या रिलेशन मिला हमें, 0 टू 1 dx 1 माइनस x बाई 4 देन 1 बाई x प्लस 1 प्लस 1 माइनस x. ओके, एंड देन माइनस 1 ओवर x प्लस 1. और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा हमें, 0 टू 1 dx इज आउटसाइड एंड द रिमेनिंग पार्ट 1 माइनस x बाय 4 प्लस हाफ माइनस 1 ओवर x प्लस 1. सो दिस इज आवर रिमेनिंग इंटीग्रेशन. अब हम इसको केवल x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, सो दिस बिकम्स माइनस हाफ, that is minus 1 minus x whole to the square by 8. इंटीग्रेशन हो गया फर्स्ट टर्म का. और सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखिए इधर x से x कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 बचा,
और इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स बाय टू, और लास्ट टर्म का माइनस लॉग एक्स प्लस वन विद द लिमिट 0 to 1। और हमने इसमें लिमिट को सब्सिट्यूट किया, डेट इज माइनस हाफ 1/2 माइनस लॉग 2 प्लस 1/8। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो कितना बचा, माइनस 1/2 5/8 माइनस लॉग 2। सो दिस बिकम्स आवर आंसर। ओके, सो दिस इज द ट्रिपल इंटीग्रेशन। नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरिया बाय द डबल इंटीग्रेशन। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया बाय द डबल इंटीग्रेशन। लेट अस, वी हैव द टू कर्व एंड दीज आर y1 इज इक्वल्स टू f1x एंड y2 इज इक्वल्स टू f2x। देन एरिया इज गिवन बाय द फार्मूला a टू b, दैट इज y1 y2 dx dy। तो हम इस मेथड को यूज करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर, यहां पर देखिए y1 हमारे पास y की लिमिट है और हमें पता है अगर हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y की लिमिट किस में होगी, हमेशा द फंक्शन ऑफ x, और x की लिमिट तब हमारे पास क्या होगी, प्योरली कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, तो इस तरीके से हम डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें डबल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को रिमेंबर रखना है, अगर x की लिमिट कॉन्स्टेंट तो y की लिमिट द फंक्शन ऑफ x, और अगर y की लिमिट कॉन्स्टेंट तो x की लिमिट द फंक्शन ऑफ y रहेगी। केवल हमारा क्या हो जाएगा, इधर देखिए यहां पर फंक्शन fxy नहीं रहा था, केवल क्या रहेगा, dx dy। हम यहां पर फंक्शन नहीं लेते हैं, केवल ऑपरेटर्स लेते हैं, तो फार्मूला बन जाएगा एरिया के लिए। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। वी हैव द क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1। देखिए हमें एरिया निकालना है, फार्मूला तो वही रहेगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। अगर हम इसको इस मेथड से करना चाहें तो x की लिमिट कांस्टेंट बनानी है और y की लिमिट द फंक्शन ऑफ x, जो कि हम गिवन रिलेशन से बना सकते हैं। देखिए अगर इस रिलेशन में हम y को 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x² / a² = 1 एट y = 0, और x की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, चेक इट आउट देयर, वी हैव द वैल्यू फॉर x, दैट इज +-1। ओके, इसी तरीके से अब देखिए x की लिमिट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, +a से -a। अब मुझे लिमिट लेनी है y के लिए, अब y के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, द फंक्शन ऑफ x होना चाहिए एज ए लिमिट, देन y² / b² = 1 - x² / a² एंड y² = b² - x² / a² एंड वी हैव द वैल्यू फॉर y +√b 1 - x² / a² ओके, सो दिस इज अ लिमिट फॉर y। अब देखिए अगर हम इसको सोल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, चेक इट आउट देयर, फॉर द एरिया लिमिट क्या है हमारे पास, -a to +a, -b
limit for y minus b under root 1 minus x square over a square से लेके plus b times of under root 1 minus x square over a square okay dx dy। अब देखिए हमारे पास जो फंक्शन है जो इलिप्स है ये क्या है, अगर दिस इज आप जानते हैं इसकी शेप कैसी होती है, जस्ट लाइक दिस वन ओवल शेप, सो दिस इज अप्रोक्सीमेट। अगर हम इसको स्प्लिट करें फोर पार्ट्स में तो हमारे पास इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस, सो दिस इज माइनस ए टू प्लस ए, दिस इज माइनस बी टू दिस डिस्टेंस माइनस बी टू प्लस बी। अगर हम एक पार्ट का एरिया निकाल लें और उसको फोर टाइम्स कर दें तो भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और वैसे भी इलिप्स का फंक्शन देखें तो क्या है, इवन फंक्शन है, तो हम इसमें इवन ऑड की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। और वाई के अगेंस्ट इंटीग्रेट करने पर देखें हमें क्या मिलेगा, सो वी हैव द एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a dx एज इट इज, dy का इंटीग्रेशन y विद द लिमिट्स 0 टू b टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर ठीक। और इसकी वैल्यू का अगर हम सोल्व करें तो क्या मिलेगा, 4 b बाय a 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx ओके। अब हमें केवल इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, नाउ वी हैव 4 इंटू बी बाई ए और इसका डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए ओके एंड विद लिमिट्स 0 टू a। इसमें अगर हम लिमिट रखें तो क्या मिलेगा, 4 बी बाई ए एज इट इज, जब हम इसमें a रखेंगे 0 और यहाँ a रखेंगे तो a बाई ए 1 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 और 0 पर सारी वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो फाइनली हमें क्या मिला, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1 डेट इज 4 टाइम्स ऑफ बी बाई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 डेट इज पाई ए बी, सो दिस बिकम्स आंसर। तो हम डबल इंटीग्रेशन के मेथड से एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम बाय द डबल इंटीग्रेशन। मान लीजिए मेरे पास कोई सरफेस एस है जो कि फंक्शन है एक्स वाई का, सरफेस जेड किसका है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो हम वॉल्यूम के लिए फार्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम इज गिवन बाय द फार्मूला डबल इंटीग्रेशन जेड डी एक्स डी वाई ओके। अब देखिए यहाँ पर ऑपरेटर हमारे पास क्या है, dx dy है, इसका मतलब हम इसको रीराइट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए बी वाई वन वाई टू जेड डी एक्स डी वाई ओके, वेयर वाई वन वाई टू क्या है, y की लिमिट होंगी और ए बी किसकी लिमिट होगी, x की, मीन्स x की लिमिट कॉन्स्टेंट और y की लिमिट द फंक्शन ऑफ x। और dx dy है केवल इसलिए हम इसको x और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे बाय द डबल इंटीग्रेशन मेथड। नाउ वी आर टेकिंग द क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द xy प्लेन, द सिलेंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 1 एंड द प्लेन x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 3। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है
अब देखिए हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है एज ए फार्मूला, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई होना चाहिए। तो हम इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, और लिमिट हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से। वो हम करना जानते हैं, क्योंकि हमें देखिए क्या बनाना है, x की लिमिट कांस्टेंट और y की लिमिट द फंक्शन ऑफ x। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 में अगर हम y को 0 रखें तो एक्स स्क्वायर इज योर 1 विच गिव्स यू x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। देखिए x की लिमिट कांस्टेंट आ गई तो y की लिमिट क्या होनी चाहिए, फंक्शन ऑफ x, मीन्स y स्क्वायर इज योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज y इज योर अंडर रूट प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए वाई की लिमिट हमारे पास मिलती है फंक्शन ऑफ एक्स। अब हमारे पास फार्मूला क्या है वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम इज गिवन बाय द फार्मूला दैट इज डबल इंटीग्रेशन जेड डी एक्स डी वाई। और यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन में लिमिट किसके लिए है, एक्स की लिमिट माइनस 1 टू 1 एज ए कॉन्स्टेंट, एंड द लिमिट फॉर वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। ओके, देन जेड डी एक्स डी वाई। तो हमारे पास देखिए जेड की वैल्यू कितनी है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, जेड इज योर 3 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। तो पहले हम इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 1 टू 1 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, दिस इज 3 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। देन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, सो दिस बिकम्स 3y माइनस एक्स वाई, दिस इज ट्वाइस हियर विद द लिमिट्स 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा, ट्वाइस माइनस 1 टू 1 एंड वी हैव द इनसाइड 3, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर हमें लिमिट को सब्सटीट्यूट करना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द लिमिट, दिस इज द वैल्यू आफ्टर पुटिंग द लिमिट। हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, ट्राइस ऑफ माइनस 1 टू 1 विद इन द ब्रैकेट 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, और इसको भी कंपेयर करेंगे, इसका हम करेंगे सब्सिट्यूशन से, एक्स स्क्वायर को टी देन 2x डी एक्स डी टी। तो पहला पार्ट हमने डायरेक्ट फार्मूले से किया, और उसके साथ साथ हम इसमें कुछ और भी कर सकते हैं कि हम दोनों को सेपरेट अलग अलग करके भी कर सकते हैं दोनों पार्ट को, या साइमल्टेनियस इकट्ठा भी लेके कर सकते हैं। तो हम इसमें फार्मूला लगाए 3x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 1। ओके, एंड हमारे पास लिमिट है इसके लिए माइनस 1 टू 1 माइनस बाय द सब्सटीट्यूशन हमारे पास वैल्यू आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी 3 बाई 2 विद द लिमिट्स माइनस 1 टू 1। हम फिर याद दिला रहे हैं सेकंड पार्ट हमने क्या है सब्सटीट्यूशन से, एक्स स्क्वायर को टी माना, 2x dx इज योर dt एंड देन इंटीग्रेट। अब इसमें हम
केवल लिमिट पुटअप करना है, और लिमिट पुटअप करने के बाद हमारे पास वैल्यू मिलेगी 3 × 0 प्लस 3/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/3 × 0 प्लस 3/2 साइन इनवर्स 1। और देखिए इसको सिंपलीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, ट्राइस ऑफ 3/2 × π/2 ओके, देन 3/2 × π/2, और इसको हमने ऐड किया तो कितना मिला 3π। सो दिस बिकम्स आंसर।